देखेगा सारा जहां आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो जाए। आज का वचन ध्यान के लिए, गया हफ्ता में हमने पढ़ा हुआ वचन रोम का पत्री उसकी दूसरा हुआ अधिकार सातवां वचन हम पढ़ेंगे। रोम का 2:7 स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। आमीन, हालेलुया। दुख के बीच में, मुसीबत के बीच में, तकलीफ के बीच में कौन मसीह के अंदर आनंद में रहेगा, उसको परमेश्वर प्रभु के राज्यों में जगह देगा। आमीन, हालेलुया, वो स्वर्ग में जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये दुनिया के अंदर में हमने देखा अनेक लोगों को, मसीहों को भी हो, बिना मसीह के अंदर रहने वाला भी हो, परमेश्वर के अंदर रहने वाला व्यक्ति भी हो, दुख सबके जीवन में आएगा, छोटा हो बड़ा हो। लेकिन दुखों के बीच में, मुसीबत के बीच में परमेश्वर के अंदर स्थिर रहना चाहिए। अभी देश पूरे एक दुख में पड़ा है, देश में रहने वाला हर एक भाई बहन भी दुख में पड़ा है, मुसीबत में पड़ा है। आप भी पड़ा है, मैं भी पड़ा हूँ। ठीक से एक आराधना नहीं कर पा रहे, लोगों का साथ इकट्ठा होकर हम प्रभु को महिमा नहीं कर पा रहे हैं, और अच्छे से काम पर नहीं जा पा रहे, अच्छा से हमारा जरूरी पूरा नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार एक दुख ये देशों में एक अंधकार शक्ति घेर चुका है, लेकिन इसको भगाने के लिए, ये देशों को ये बीमारी से हटाने के लिए लोगों बहुत कोशिश कर रहे हैं, दवा निकल रहा है, ये निकल रहा है, वो निकल रहा है। लेकिन परमेश्वर के बच्चों लोग को क्या करना है, ये मुसीबत के बीच में, दुखों के बीच में हम अपनी कामों में, अपनी बातों में प्रभु के अंदर क्या करना चाहिए, एक स्थिर रहना चाहिए, एक कड़क रहना चाहिए, एक मजबूत हमारा जीवन में रहना चाहिए। वही हमने वचन में गए हफ्ता में अनेक बातों को हमने ध्यान किया, आज भी हम कुछ बातों का हम ध्यान करेंगे। उपपत्ति का पुस्तक में 42:28 पढ़ो। उपपत्ति 42 पहले अध्याय में 42:28 तब उसने अपने भाइयों से कहा, हाँ मेरा रुपया तो लौटा दिया गया है। हाँ, मेरा रुपया तो लौटा गया है। हाँ देखो, हाँ वह मेरे घोड़े में है। हाँ तब उनके जी में जी न रहा। हाँ और वे एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे। हाँ और बोले, परमेश्वर ने यह हमसे क्या किया है। आमीन, हालेलुया। इधर यूसुफ का जीवन के अंदर हम लोग इसी बातों को देख रहा है। यूसुफ, याकूब का परिवार, और यूसुफ को मार कर उसको भेजा गया, और उसको मार के मार डालने के लिए कोशिश किया। हम माल में अपनी भाई के ऊपर बहुत प्यार किया, याकूब के बच्चे लोगों सब उसमें एक यूसुफ करके है, लेकिन परमेश्वर उसको चुना गया है। याकूब का अंदर भी प्रभु उसको पसंद किया हुआ है,
उसको अलग अलग प्रकार के एक सपना दर्शन प्रभु ने उनको दिखाया। ये दर्शन को सपना को अपनी परिवार में बोला, ऐसे ऐसे बातें करके बोला। परिवार वाला इसी बातों को माना नहीं है, उन लोगों को मजाक सोचा और मस्ती सोचा। लेकिन यूसुफ का दिन कैसे बढ़ने लगा, ऐसे प्रभु उनको ऊपर दिखाया हुआ स्वप्न का प्रमाण, प्रभु ने उसको ऊपर दिया हुआ दर्शन का प्रमाण उसको प्रभु चलाने के लिए लगा। आमीन, हालेलुया। उसको और प्रभु बात करने के लिए लगा। और कब पकड़ा चलाने के लिए, सब भाई लोगों को जंगल में चला गया, उसी भाई लोग को खाना खिलाने के लिए, कैसा भी करके अपने भाई को देखने के लिए बहुत इच्छा हुआ यूसुफ के अंदर। आज हमारा गांव जाने के टाइम में बहुत इच्छा होता है सब लोग को देखने के लिए, कोई भाई को बहन को देखने के लिए इच्छा होता है। इसी प्रकार आत्मिक जीवन में एक विश्वासी भाई बहनों को देखने के लिए बहुत इच्छा होता है, इन लोगों को प्रार्थना करने में प्रभु के अंदर रहने में इच्छा होता है। इसी प्रकार वहाँ एक इच्छा होने लगा, अपने भाई को देखेंगे, उसको खाली हाथों में नहीं जाना, खाना लेके जाएंगे। खाना लेके जा रहा था जंगल में, कब सब भाई लोगों को देख के उसको मजाक करने लगा, देख स्वप्न वाला आ गया, देख स्वप्न देखने वाला आ गया, इसको ऊपर देख मजाक किया। क्यों? अकी परिवार के अंदर सीधा में रहने वाला एक लड़का था, अपने पापा को ऊपर बहुत प्यार करने वाला एक लड़का था और परिवार को ऊपर ध्यान करने वाला एक लड़का था, उल्टा सीधा काम करने वाला नहीं, बहुत भयभक्ति में परमेश्वर के लिए जीने वाला एक लड़का था। पापा किस तरफ से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके चला, यूसुफ भी इसी प्रकार विश्वास करके साथ में चलने वाला बच्चा। दूसरा सब लोग है तो भी इतना बाप का बात मानना नहीं, तो उनके ऊपर आराधना करना ये नहीं, जंगल में जाके आराम से पकड़ा जला के खा के पी के मजा करने वाला लोग है। लेकिन यूसुफ ऐसा नहीं है। अभी कोरोना के टाइम में भी अनेक लोग अपने अपनी जगह छोड़कर उधर इधर जाकर और खा के पी के इंजॉय करके रहने वाला ये समय पर आराधना छोड़ के चलने वाला अनेक लोग हैं। लेकिन यूसुफ अपनी बाप की भक्ति में बढ़ने लगा, याकूब का भक्ति बहुत जोरदार, उसी भक्ति में बढ़ने लगा। याकूब का भक्ति बोलेगा तो परमेश्वर से क्या मांगने के लिए सोचा, वो मांगने बिगर छोड़ने वाला नहीं है, ऐसा याकूब है। इसी याकूब को ऊपर इतना भक्ति रखा प्रभु को ऊपर, और प्रभु भी याकूब के ऊपर बहुत प्यार किया। उसी प्यार का अनुभव को यूसुफ बांट रहा है उसके जीवन में, इसीलिए अपनी भाई को देखने के लिए उसकी इच्छा हो रहा है। लेकिन भाई लोग को चोरी करने वाला, लूटने वाला, उल्लू बनाने वाला, ऐसा ऐसा नाटक करने वाला लोग उल्लू भाई लोग को बहुत पसंद करता है। ये परिवार में एक अच्छा आदमी है, अच्छा लड़का है, तो उन लोगों को पसंद नहीं बिल्कुल, परमेश्वर का नाम महिमा हो, पसंद नहीं है। इसी कारण में इन लोग को क्या कर रहा है प्रेमी, इन लोग को यूसुफ को दूर से देखा, देखने के बाद में तुरंत उसको मार डालने के लिए कोशिश कर रहा है, कट डालने के लिए कोशिश कर रहा है। लेके आया हुआ खाना को ले लिया, उसको ऊपर मजाक किया, मस्ती किया, भाई दो थप्पड़ लगा के मार के भेजा नहीं है, उसको मार डालने के लिए। उसमें एक भाई ने बोला उसको मारना मत, मार मत डालो, ये गड्ढा में डाल दो, मर जाएगा अंदर ही, गड्ढा के अंदर सांप होगा, गड्ढा के अंदर क्या कुछ हवा नहीं आएगा, गड्ढा के अंदर कुछ जंतु रहेगा, वो मार के इसको मार डालेगा, अपन क्यों मारने का करके अंदर डाला। लेकिन अंदर रह के चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन पैसा का लालच में, संसार का लालच में रहने वाला यूसुफ का भाई लोग को वहाँ से रास्ता में जाने वाला व्यक्ति व्यापारी अनेक माल लेके जाके, सामान लेके जाके बिजनेस करने वाला व्यक्ति वहाँ से निकल के जा रहा है, उसमें मन हुआ चलो इसको भेज देंगे, खुद की भाई को भेज दिया है। ऐसी समय पर, ऐसी दुनिया में
हम लोग आज भी जी रहा है, खुद की बच्चों को आज बेच देता है, खुद की परिवार में रहने वाला को बेच देता है। ऐसे वो बेच दिया अपनी योसुफ को। योसुफ गया, गुलाम बन के गया, समझदार व्यक्ति, बुद्धि वाला व्यक्ति, बेच दिया, पैसा ले लिया, किधर से भाग के आ जाऊँ, भाग के चला जाऊँ, ऐसा सोचा नहीं है, क्योंकि उल्टा सीधा बुद्धि होता तो वो भाग के आ जाता। लेकिन वो सीधा आदमी है, वो प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाला व्यक्ति है, प्रभु के ऊपर प्यार करने वाला व्यक्ति है योसुफ। इसलिए उसने क्या किया, वहाँ भेजा हुआ जगह पे सही में ठीक से वहाँ रहने लगा। आज हालेलुया, आज भी हमारा प्रभु लोई के द्वारा हमको खरीद लिया। प्रभु ने हमको हमारा परिवार से, संसार से हमको प्रभु छोड़ने के लिए हमको खरीद लिया, पिता पुत्र पवित्र नाम से प्रैक्टिस में लिया। कब उनके बच्चा बन गए, हम विश्वास किया तो उसका बच्चा बन गया, हमको खरीद लिया। खरीदने के बाद एक इंसान पैसा देके खरीद लिया, मूल्य देके, प्रभु अपना लोही के द्वारा क्रूस पे हमको खरीद लिया। लेकिन हम खरीदा हुआ व्यक्ति है प्रभु के लिए। लेकिन खरीदा हुआ योसुफ वहाँ जाके गुलाम का एक जीवन बिताने लगा। आज भी हम प्रभु यीशु हमको खरीदा है, आज ये गुलाम का एक जीवन हम लोग को बिताना चाहिए प्रभु के अंदर, मसीह के अंदर एक गुलाम होना चाहिए। प्रभु का बात क्या है, प्रभु क्या बोलते हैं, क्या सिखाते हैं, प्रभु का आगिना क्या है, प्रभु का मर्जी क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है, इसी बातों में गुलाम बन के प्रभु के अंदर जीना जरूरी है। क्योंकि खरीद लिया उसने, नहीं खरीदा होता आज हमको उधार नहीं मिलता, आज हम नरक के लिए टेरा गया हुआ इंसान था। प्रभु खरीद लिया, नरक में जाने वाला व्यक्ति को प्रभु खरीद लिया। भाई भाई बहनों, प्रभु हमको खरीद लिया। खरीदा हुआ जगह में कैसा रहना चाहिए, हमारा सोया काम उधर नहीं होगा, हमारा सोया बुद्धि का क्रिया वहाँ नहीं होगा, सोया विचार ता नहीं होगा। प्रभु हमको खरीद लिया, हमें ना ले लो यहाँ। योसुफ को खरीदा हुआ, हमको भी यीशु ने खरीद लिया। योसुफ को खरीदा, वहाँ सच्चा रिया, भले उसको थोड़ा दिन तकलीफ उठाना पड़ा। योसुफ को भले प्रभु तुमको खरीद लिया, थोड़ा दिन तेरे को तकलीफ उठाना पड़े संसार के अंदर, एक दिन राजा बना के तेरे को रखेगा। योसुफ को मालूम है इसी बात, हमको क्यों मालूम नहीं पड़ रहा है। थोड़ा दिन प्रभु के अंदर दुख उठाना पड़े अपने जीवन में, खरीदा हुआ परमेश्वर को, वहाँ सच्चा रिया। इतनी बड़ी मुसीबत उसको आया, तकलीफ आया, गुलाम बन के गया तो क्या क्या काम किया होगा अब समझ लो। एक काम पे जाते नौकरी के लिए, वहाँ कितना अपन को काम कराते है अब सोच लो। लेकिन खरीदा हुआ परमेश्वर थोड़ा दिन के लिए इस संसार में हमको दुख उठाने के लिए अनुमति दिया, तो उसको छोड़ के भागने वाला इंसान बनना नहीं चाहिए। वही हम ऊपर के वचन में पढ़ा, थोड़ा दिन दुख उठाना पड़े, 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, प्रभु चलाने वाला तरीका ऐसा है किसको पैसा देके देके आशीर्वाद में उसके जीवन को चलाता है, किसको दुख के अंदर ही चलाता है प्रभु, किसको मुसीबत के अंदर में चलाता है प्रभु ईश्वर। क्यों, कितनी तकलीफ में मुसीबत में तो अपन चलेंगे प्रभु अनुभव, इतनी एक आशीर्वाद प्रभु हमारे लिए रखा हुआ प्रभु के राज्यों में, ये बात को मत भूलो। योसेफ गुलाम रीति से गया वहां, सुबह से लेकर शाम तक पौड़ा का लेके कितनी कड़िया का काम किया होगा, अक्की झाड़ों को पानी डाला, सबको रखा, कितनी कोनी उठाया होगा, अलग 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 प्रकार का काम किया। भाई बहनों, इतना काम किया है, हम सोच रहे हैं गुलाम में किया उधर किया, काम किया प्रभु के ऊपर, कुरकुरा नहीं किया प्रभु के ऊपर,
गलत बात नहीं बोला प्रभु के ऊपर, उल्टा सीधा बात नहीं किया है यीशु ने। आज हमको आने वाला दुखों में, मुसीबत में हम प्रभु के ऊपर दोष लगाते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करके हम बताते। लेकिन यूसुफ ने स्वीकार किया। अभी इस समय में एक मुसीबत का दिन में हम लोग को जा रहा है, कोरोना का अंदर 4 महीना हो चुका है, एक मुसीबत का अंदर अपना जीवन बिता रहे हैं। हम प्रभु के विरोध में बोलने का बात हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, चला रहा है। जिस आश्रम में हमने पढ़ने के टाइम में वचन में इसी प्रकार लिखा था, प्रभु का धन्यवाद करना, शुद्धि करना, दिया हुआ भोजन को, दिया हुआ खाना को याद करके उसको महिमा करते रहना करके लिखा है। कारण क्या है, यूसुफ के अंदर इतनी मुसीबत आया, तकलीफ आया, बेचारा उसने प्रभु के विरोध में क्रोध में नहीं खड़ा हुआ। क्यों प्रभु ऐसा अनुमति किया, क्यों प्रभु ऐसा किया, क्यों ऐसा काम किया नहीं बोला उसने, क्यों नहीं बोला, क्योंकि उनके अंदर प्रभु था, उसके अंदर परमेश्वर क्रिया था और सच्चा जीवन वो पिता के लिए चाह रहा है। उसको मालूम है ये संसार का जीवन में थोड़ा दिन मेरे को दुखों में, एक दिन प्रभु आनंदकाल जीवन में मुझे रखेगा, उनके चरण में मुझे ले जाएगा करके उसके अंदर क्या था, एक विश्वास था भाई। ये विश्वास यूसुफ के अंदर होने वाला विश्वास मेरे अंदर आपके अंदर उत्पन्न होना चाहिए। होने वाला 1 महीना 2 महीना 4 महीना में ये मुसीबत में, अभी कितना महीना चलेगा पता नहीं है, यूसुफ के अंदर भी अनेक दिन गुलाम रीति की मुसीबत उठाना पड़ा है। मालिक ने देखा सच्चा आदमी है, गुलाम रीति से काम करा रहा उसको, कितना काम करने का नौकर का तरीके के काम कर रहा है, लेकिन कोई कुटकुरा नहीं कर रहा है, घनु घनु मुंह से उल्टा सीधा बात नहीं कर रहा है, गुस्सा नहीं कर रहा है, मेरे को भेजा गया मेरा भाई ने, उसको गरीदा है ये राजा ने गरीदा, उधर मैं अच्छा रहूंगा, सही में सही तरीके से रहूंगा, मुझे पछाने वाला, मुझे छुड़ाने वाला मेरा प्रभु है करके एक विश्वास के साथ में अपनी मुसीबत को सघन कर रहा है भाई, समझ लो। आज मैं और आप, प्रभु हमको खरीदा, इस संसार के अंदर इसी प्रकार का मुसीबत तकलीफ को प्रकट होकर इधर आ रहा है, लेकिन हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए, प्रभु का विरोध में नहीं खड़ा होना चाहिए, प्रभु का विरोध में कुरकुरा करना नहीं चाहिए, प्रभु का विरोध में मुसीबत नहीं करना चाहिए, प्रभु का और ज़्यादा ढूंढने वाला बच्चा बनना चाहिए हम लोग को। लेकिन हम घर में शांति से बैठा, कितनी लोग आराधना करते हैं पता नहीं, कितनी लोग को प्रभु ईश्वर को ढूंढते हैं पता नहीं है, लेकिन ढूंढने वाला लोग सच्चा से रहने वाला को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु देख रहा है, प्रभु आशीर्वाद करेगा, कष्ट दुखों से दूर करेगा, बीमारी से मुसीबत से दूर करेगा, ये देशों में प्रभु मुसीबत को हटाने वाला है जरूर, आमीन हालेलुया। डरना मत, इतनी मुसीबत को उठाया यूसुफ ने, मालिक ने देखा गुलाम है भाई, काम में चोर नहीं है, काम करने में चोर का काम करने वाला नहीं है, काम चोर नहीं, ऐसा बोलते ना काम चोर, कहीं भी काम बोलेगा तो करेगा नहीं, चुकेगा नहीं, काम चोर नहीं है, क्यों करने का, किसके लिए करने का ऐसा बोला नहीं, कुछ भी काम है मेरा काम नहीं है तो भी वो काम वो कर रहा है, क्यों खरीदा गया, सही है, सही सही करे, वो काम फिनिशिंग काम कर रहा है, क्या कर रहा है यूसुफ पे फिनिशिंग, वो भी काम देगा ठीक से आराम से शुद्ध से, वचन में लेकर ठीक से आराम से उसी काम को अच्छा से कर रहा था, इसलिए मालिक ने उसको देखा, उसकी आंखों में दया मिला, आमीन हालेलुया। राजा एक जन के ऊपर दया कैसा मिलेगा, अपन को दिया हुआ काम, हमारे लिए दिया हुआ सेवा भी हो, हमारे लिए दिया हुआ परिवार हो,
हमारे लिए दिया हुआ कोई भी काम हो, घर के अंदर भी काम हो, उसी काम को ठीक से शुद्ध से करना है। कभी मालिकों का आंखों में दया मिलेगा, प्रभु कब तेरे ऊपर अनुग्रह देगा। कुछ भी काम करो उसी काम को ठीक से करना है। जल्दी 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 गांडा जो का काम करने वाला अनेक लोग यूसुफ का साथ था, उसकी आंखों में दया, राजा की आंखों में दया नहीं मिला। परमेश्वर किसके अंदर है, प्रभु का बच्चा किसके पास है, उसकी काम शुद्ध होगा। क्या होगा? शुद्ध होगा, ठीक से होगा, अच्छा होगा। तो हमारा जीवन में कुछ भी काम हो, बड़ा ही हमारा कुमारदास अय्या बॉम्बे में, कब मैं वहाँ रहे, वहाँ एक बार मैं गया, सुबह सुबह उठा, सब लोग सोया है, 4 बजे अय्या उठ के प्रार्थना करके ख़त्म होने के बाद सुबह उठ के सीधा जा रहा है बाथरूम में। उसके नीचे अनेक सेवक लोग हैं, लेकिन फिर भी सब लोग को बाथरूम जाने वाला जगह पे, इतना बड़ा सेवक है, वो खुद पानी लेके प्रेस लेके साफ कर रहा है बाथरूम को। आमीन, हालेलुया, कर रहा है एकदम ठीक ठाक। 4:30 बजे उस बाथरूम में जाएगा तो बाथरूम चमक रहा है। आमीन, हालेलुया। सोच लो, दूसरा सेंटर करने वाला है, दूसरा बाथरूम करने वाला है, दूसरे बाथरूम में आएगा जाएगा तो मैं क्यों साफ करूं, ऐसा नहीं सोचा। आमीन, हालेलुया। मिला हुआ काम करने वाला काम उसको अच्छा नहीं लगा, वो तुरंत साफ करने लगा, दूसरा पास्टर आके करेगा, वो भाई आके करेगा, ये बहन आके करेगा करके नहीं सोचा। काम कितनी हम लोग को करेंगे, कितनी शुद्ध से करेंगे, उतनी आने वाला दिन में हमारा जीवन में एक आशीर्वाद मिलेगा। आमीन, हालेलुया। ये पापा का काम है, मम्मी का काम है, बहन का काम है, छोटा का काम है, इसका काम है, उसका काम है। अमुक समय में उम्र में बात करके काम दिया गया है, लेकिन कैसे आत्मिक जीवन में हम पढ़ते हैं, ऐसे हमारे लिए कोई भाग नहीं, सब काम हमारे लिए। आमीन, हालेलुया। कितना हो सकता है उतनी अपने कामों करो। यूसुफ ऐसा किया, काम जोरदार किया, सब लोग 8 बजे ना 7 बजे बेल बज जाएगा, वो थक जाते हैं, सब जाके सो जाते हैं। देख, लेकिन यूसुफ झाड़ू रखा सामने खेत में, राजा ऊपर महल से देख रहा है, कोई दिखता नहीं है, लेकिन ये अकेला, उसको क्या कुछ उठा के दे रहा है क्या, नहीं है, इसको कुछ करने वाला है क्या, नहीं है, फिर भी अपना काम कंप्लीट करके जाने के लिए सोचा। आमीन, हालेलुया। हाँ, दूसरा सब बेल बज गया, बस 9:06 बज गया, सब भाग गया, लेकिन आधा काम में छोड़ के जाने के लिए यूसुफ का मन नहीं था। आमीन, हालेलुया। उसी टाइम में राजा ऊपर से देख रहा है, यह भाई बहुत ठीक से काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा से कर रहा है, गुलाम है, गुलाम भाई है, एक गुलाम इतना अच्छा से काम कर रहा है। आमीन, हालेलुया। वो राजा को देख के बहुत खुशी हो गया, एक आनंद हो गया राजा को, कब उसको भुला के उसको ऊपर ज़्यादा प्यार करने लगा, उसके घर के अंदर आने जाने के लिए एक सुविधा उसको दिया गया। आमीन, हालेलुया। सब कुछ उसके लिए दिया गया, सब लोग अंदर इसको ऊंचा किया गया हुआ है। आमीन, हालेलुया। आप सोच लो, समझ लो, हम परमेश्वर के बच्चों, गरीदा हुआ जगह पे गया तभी प्रभु हमारे लिए हमको गरीदा गया, उसी जगह पे हम रहे तभी सच्चा रहना भाई बहनों, ठीक से रहना। हमने पढ़ा हुआ वचन में इसी यूसुफ इतना तकलीफ उठाया, मुसीबत उठाया, एक दिन इसी यूसुफ मुसीबत तकलीफ के बीच में एक दिन आने वाला पाप आने वाला कामों में जीत कर खड़ा हुआ है। आमीन, हालेलुया। कौन सी राजा, राजा का राजा उसको बुलाया गया, उसको बुलाया गया कि एक स्वप्न को पता नहीं लगा कब उसको राजा बना दिया, राजा बना के चेयर में बैठ गया, कब उनकी भाई लोग आ रहा है ढूंढ के। हाँ, पढ़ो उसी वचन को, 42:28 उत्पत्ति का। अपने भाइयों से कहा, हाँ,
मेरा रुपया तो लौटा दिया गया है, देखो वह मेरे बोरे में है। हाँ। अब उनके जी में जी न रहा। हाँ। और वे एक दूसरे की ओर से हाँ। और भय से तापने लगे। आमीन। बस बहुत भय उसको तापने लगा, समझ लो। क्योंकि कौन सी भाइयों को भेजा गया है उसको, उनके जीवन में तकलीफ आया, उसको पैसा चाहिए था, इसलिए भाई को भी भेजा, समझ लो। वो आया, अकाल हुआ, किधर मिल रहा है चावल पानी ढूंढना, एक जगह पे मिलेगा, इसी राजा के पास जाओ, वो मालूम नहीं मेरा भाई है करके उधर गया, लेकिन भाई को मालूम है कौन मेरे को हैरान किया, तकलीफ उठाया। आमीन, हालेलुया। तुमको कौन तकलीफ देगा, मुसीबत देगा, तुमको हैरान करेगा, तुम भूल सकता है, तुम उसको ऊपर प्यार कर सकता है, उसी उसको ऊपर तू ध्यान कर सकता है सब कुछ, लेकिन प्रभु नहीं भूलेगा, याद रखना। आमीन, हालेलुया। तुमको तकलीफ उठाने वाला, तेरे को मुसीबत उठाने वाला, तेरे को हैरान करने वाला, जाने दो, प्रभु के नाम से हम छोड़ देते करके तुम उसके साथ जाके प्यार करेगा, अच्छा से रहेगा, चलेगा, लेकिन क्या क्या उसने किया है प्रभु भूलने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। ठीक है, हम प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। तकलीफ दिया हुआ भाई यूसुफ को याद है सब कुछ, मेरा भाई कौन है, इधर आया हुआ कौन है, वो मालूम पड़ गया, समझ गया, और उसका बहुत पैसा का पड़िए, इसलिए उसको चावल भी दिया और उसके साथ में क्या किया, पैसा रिटर्न भी दिया। अभी पैसा एक इंसान को मिलेगा तो क्या होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, चलो भाई चावल भी मिला, पैसा भी मिला। आमीन, हालेलुया। आनंद होना चाहिए। वचन में लिखा है उन लोग को दुख हो गया, घबरा गया। आमीन, हालेलुया। तो हमारा जीवन में अमुक बात हमको संतोष मिलेगा, खुशी मिलेगा, मत सोचो पैसा आएगा तो मैं आनंद हो जाओगे, मत सोचना। मैं बहुत बुद्धि से काम कर दिया, देख मैंने दिया हुआ पैसा मिल गया करके खुशी हो जाएगा, नहीं, क्योंकि उन लोग का अंदर भक्ति नहीं था, भय नहीं था प्रभु के अंदर, नाटक करने वाला लोग, घबरा गया, ये पैसा है करके चेक किया तो मुझे मार डाल देगा। आमीन, हालेलुया। यूसुफ का परिवार, उनकी भाई लोग पे घबराहट हुआ। आमीन, हालेलुया। पैसा मिला तो खुशी होना चाहिए, पैसा मिला तो उसको घबराहट आ गया। इसलिए आज की हम क्या ध्यान कर रहे हैं, तकलीफ मुसीबत हमारा जीवन में आएगा, कष्ट दुख हमारा जीवन में आएगा, उसके अंदर हम प्रभु के अंदर मजबूत में रहना है। इस संसार तकलीफ में दुख में जा रहा है, लेकिन उसके अंदर हम लोग को कैसा रहना चाहिए, मजबूत में रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। इसलिए भाई बहनों, हम लोग को क्या नहीं क्या करना चाहिए, किसी समय पर यूसुफ कितना भी मुसीबत तकलीफ आया तो प्रभु को तकलीफ कुड़कुड़ा नहीं कर पाया, लेकिन इसी भाई लोग को कर रहा है, दुख उठाया, दुख उठा के क्या बोलने लगा, क्या बोल रहा है वो पढ़ो नीचे। एक दूसरे की ओर भय से तापने लगे, तो दूसरों को देख के भय से तापने लगे और बोले, हाँ बोलने लगा, परमेश्वर ने यह हमसे क्या किया है, ये प्रभु ने हमसे क्या किया है। आमीन, हालेलुया। आज इस संसार में अनेक लोग, मैं और आप, एक शब्द हम बताते, प्रभु हमारा जीवन में क्यों ऐसा किया, किसलिए किया, भय कब डर, उल्टा सीधा काम हमारे अंदर में आने के टाइम क्यों प्रभु ऐसा किया करके बोल रहे हैं। भाई बहनों, प्रभु देख के हम सवाल नहीं करना, प्रभु अपन को गरीबा हुआ है। आमीन, हालेलुया। वो कुछ भी करेगा ये देशों में, हमारा परिवार में, हमारा जीवन में, वो भलाई के लिए, अच्छा के लिए हमारे लिए करेगा। ऐसे विश्वास के साथ हमारे जीवन को पिताएंगे, जरूर प्रभु हम आशीर्वाद करेगा। हम घुटने रो के प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 स्तुति करते प्यारा प्रभु, आपके पवित्र नाम से परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संकट का दिन में, मुसीबत का दिन में,
परमेश्वर आपको देख के हम पुकारेगा तो भी आप हमारे लिए उत्तर क्या कर हमको दर्शन करने वाला प्रभु। इसी चार महीना से कोरोना के बीमारी में तकलीफ के अंदर परमेश्वर अनेक लोग अपने जीवन को बिता रहा है। आज ही प्रभु याकोब का बच्चे लोग को किस तरफ से यूसुफ का भाई लोग को बोलने लगे, हम खा उन लोग को पैसा को ये दे के घबराने लगा, वो एक शब्द बोला प्रभु हालेलुया। क्यों प्रभु ऐसा हमारा जीवन में कर रहा है करके आज हम भी ऐसे प्रभु को देखे ऐसे शब्द को बोलना नहीं पड़े, ऐसे हमको चलाओ प्रभु, ऐसे हम लोग को होगा तभी हमको माफ़ कर दो प्रभु। अब कानीगर हमारा साथ होने